एल्विश पर रेव पार्टी करवाने का आरोप है। 3 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। बताया जा रहा है कि सांपों का जहर भी बरामद किया गया था। एल्विश के सांपों के साथ भी वीडियो वायरल हुए थे और रेव पार्टी करने का आरोप भी एल्विश पर है। तो 3 राज्यों की पुलिस उनकी जांच कर रही, तलाश कर रही थी और फिर कोटा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है राजस्थान पुलिस ने। आपको बता दें कि एल्विश यूट्यूबर हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग उन्हें फॉलो करते हैं उनके वीडियोस को, और ये जो बड़ा घटनाक्रम जो उनके जीवन में हुआ ये सामने आया है, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और कोटा में राजस्थान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। और बातचीत ये भी कि नोएडा पुलिस से भी बातचीत हुई है इस दौरान। हम कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता कोटा से जुड़ें और इस तमाम जानकारी जो अपडेट आ रही है इसको लेकर ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। शाकिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त पर, शाकिर अली मेरे सहयोगी कोटा से। शाकिर, एक बड़ी खबर है एल्विश को लेकर, जो मामला उनके खिलाफ हुआ और 3 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई रेव पार्टी को लेकर और सांपों के जहर का जो ये मामला सामने आया, बड़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए एक एनजीओ के स्टिंग में। अब राजस्थान पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, क्या कुछ घटनाक्रम है? 3 अलग अलग राज्यों की पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, क्या और जानकारी है आपके पास? जी देखिए, अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कोटा की सुकेत थाना जो पुलिस है झालावाड़, कोटा झालावाड़ रोड पर ये जो थाना स्थापित है यहाँ पर नाकेबंदी की जा रही है। आचार संहिता लगी है उसके बाद से लगातार पुलिस की टीमें जो है हाईवे पर नाकेबंदी कर रही है। उस दौरान ही जो है इसको लविश कुआ पर रोका गया और उससे पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस की जो ग्रामीण पुलिस की जो टीम है वो फिलहाल अधिकारी जो है कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक उसको जो है पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया है। अच्छा, जो थाना है वहां पर जो टीम तैनात थी उन्होंने उसको रोका था, उससे बातचीत की थी, पूछताछ भी की थी, लेकिन उसके बाद उसको वहां पुलिस ने जो है छोड़ दिया है पूछताछ करके। यानी कुल मिलाकर ये कि दिल्ली या नोएडा से जो इनपुट पुलिस को मिलना था वो इनपुट प्रॉपर तरीके से सुकेत थाना पुलिस के पास नहीं था। तो शाकिर, ये एक बड़ा घटनाक्रम, पुलिस ने क्या उन्हें गिरफ्तार किया था कि उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की गई, या फिर मौके पर ही नाकाबंदी के दौरान ही सिर्फ उन्हें छोड़ दिया? जी देखिए, क्योंकि नाकाबंदी की जा रही है हाईवे के जितने भी थाने हैं उन सभी पर, तो जाहिर तौर पर जो भी गाड़ियां निकल रही है, जो भी व्हीकल निकल रहे हैं बाहर के नंबर के, उनको रोक करके उनके नंबर भी नोट किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जो लोकल पुलिस है सुकेत की, उनकी जानकारी में इस बड़े अपराध के बारे में जानकारी नहीं थी। नोएडा पुलिस के साथ पुलिस ने राजस्थान तो एक तरह से कहें कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं चाहूंगा कि हम स्क्रीन पर भी अपडेट करें, उन्हें पकड़ा गया और उनसे पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया गया। जी, शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि पुलिस ने उनको एक बार रोका था, पूछताछ की उनकी गाड़ी और दूसरे दस्तावेज भी उन्होंने चेक किए, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो नाकेबंदी के दौरान क्योंकि जाहिर तौर पर उनके खिलाफ मामला दर्ज है, तो उन्हें पकड़ा गया नाके पर और उन्हें वहीं से पूछताछ करके छोड़ दिया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिलहाल जो है पुलिस ने इस बारे में गिरफ्तारी वाली बात पर पुलिस इनकार कर रही है, क्योंकि ये पुलिस का बड़ा फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी है और जिसके खिलाफ इस तरह के मामले, जहर, सांपों का जहर और लड़कियां जो है रेव पार्टी और इस तमाम तरह के जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, सांसद मेनका गांधी की जो एनजीओ है उसकी तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है नोएडा में, और 3 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए ये एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के बड़े अधिकारी जो है जयपुर में इस बात को कह रहे हैं कि उसको पकड़ लिया गया है, और यहाँ पर जब मौके पर बात की जा रही है सुकेत थाने की नाकेबंदी के दौरान जब रोक कर पूछताछ की बात की जा रही है, तो अब पुलिस जो है इस पर पल्ला झाड़ रही है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया है, पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया है। तो जाहिर तौर पर अब मैसेज आगे की तरफ दे दिया गया होगा, और अगर वो इसी एरिया में है या कुछ आगे निकल गए हैं तो अगली नाकेबंदी पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है।
जी, तो एक तरह से कहें कि उन्हें जो है मौके पर उन्हें पकड़ा गया, वहीं पर उन्हें रोका गया और रोक कर उनसे पूछताछ की गई और नोएडा पुलिस से भी संपर्क साधा गया। तो ज़्यादा जिस तरह की जानकारी राजस्थान पुलिस चाह रही थी वो उन्हें नहीं मिल पाई और उसके बाद एल्विस को जाने दिया। जी, हमें ये लगता है शुरुआती तौर पर कि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये एल्विस यादव नाम का व्यक्ति जो है उस पर इतना बड़ा अपराध जो है उसने गठित किया है और उसके खिलाफ FIR दर्ज है। तो एक बड़ी लापरवाही राजस्थान पुलिस की भी है, राजस्थान पुलिस की भी एक, शाकिर आप जो जिस तरह और इशारा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला उन पर है, अब सांपों के जहर से जुड़ा हुआ मामला, रेव पार्टी कराने को लेकर उन पर FIR हुई है, मेनका गांधी के NGO ने होस्टिंग से तमाम खुलासे किए, बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसके बावजूद पुलिस इस मामले की जो जो सेंसिटिविटी है, जो इस मामले की जो गहराई है उसको नहीं पकड़ पाई और एल्विस को सिर्फ नाकेबंदी के दौरान मैच कुछ सवाल जवाब कर छोड़ दिया गया, ये जानकारी आप दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो रूटीन जिस तरह से अभी आचार संहिता लगने के बाद से जो नाकेबंदी की जा रही है, नशे की खेप पकड़ी जा रही है, कई बार शराब की कार्रवाइयां भी हो रही है, अवैध हथियार भी पकड़ में आ रहे हैं, उसी दौरान ये नाकेबंदी उसी तरह से नाकेबंदी की गई और गाड़ी चेक की गई और जो जो व्यक्ति था उससे पूछताछ की गई और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जब ये जैसे ही ये पता चला कि इसको यहाँ पर रोका गया था तो पुलिस के बड़े अधिकारियों की ओर से जयपुर से इस तरह की बात सुनने में आ रही है कि उन्होंने खुलासा किया है कि उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन सुकेत थाना पुलिस ने उसको फिलहाल छोड़ दिया है पूछताछ करने के बाद। अब आगे की कार्रवाई राजस्थान पुलिस क्या कर पाती है, क्योंकि अभी वो राजस्थान की सीमा में होगा, जाहिर तौर पर जब वो सुकेत से निकला है तो झालावाड़ की तरफ अगर वो बढ़ा है तो झालावाड़ पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और अगर कार्रवाई कर सकती है तो कोटा पुलिस जो सुकेत थाने का बात बता रहे, ना उन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया और ना ही किसी तरह से हिरासत में लिया, उनसे महज दूसरे लोगों की तरह कार रोककर उनकी पूछताछ, उनसे सवाल जवाब हुए आचार संहिता के नियमों के आधार के तहत और उन्हें जाने दिया। जी बिल्कुल, जो ये जो कार्रवाई की गई है ये इसी तरह की रूटीन कार्रवाई नजर आ रही है, लेकिन इतना बड़ा नाम था उसके बाद अब पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस के अधिकारी जो है वो लगातार जो है जो अपने छोटे अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल जो है अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं अब हम दर्शकों को जानकारी दे दें कि एल्विस से जो पूछताछ हुई उनकी कार रोकी गई और सुकेत जो स्थानीय पुलिस थी उन्हें उनके मामले की बहुत ज़्यादा गहराई नहीं मालूम थी, लिहाजा उन्हें जाने दिया गया, ना उन्हें हिरासत में लिया ना उनकी गिरफ्तारी हुई। तो दर्शकों के लिए बड़ी खबर है, जो एल्विस यादव हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, जो सांपों के जहर का इस्तेमाल को लेकर और एक NGO द्वारा जो उन पर आरोप लगाए उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और रेव पार्टी करने का भी उन पर एक बड़ा आरोप लगाया, लेकिन राजस्थान पुलिस, कहें तो कोटा पुलिस, उस मामले की गंभीरता को पकड़ने में नाकाम रही और एल्विस को आचार संहिता के तहत जो तमाम बाकी गाड़ियां रोकी जा रही हैं उसी की तरह उन्हें रोका गया उनकी गाड़ी को और पूछताछ कर उन्हें आगे जाने दिया गया। अब संभवतः जिस तरह से शाकिर अली बता रहे हैं कि हो सकता है कोटा से अगर वो झालावाड़ जाएं तो तमाम बड़े अधिकारी सक्रिय हो गए तो उन्हें आगे रोककर कहीं उन एल्विस को पकड़ा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर है, एल्विस से रोका गया, उसको पूछताछ, जो आम राहगीर हैं, आम जो उस नाके से गुजर रहे हैं उस तर बातचीत की गई। बहुत बहुत शुक्रिया।